आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पहले मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास बहुमत नहीं रहा, इसीलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधानसभा में भाजपा शिवसेना गठबंधन को जनता ने खुलकर मतदान किया, गठबंधन को पूर्ण जनादेश मिला था, भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी भी बनाया। हमने शिवसेना के साथ ही चुनाव लड़ा, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट शिवसेना से ज्यादा था। जनादेश गठबंधन को था लेकिन भाजपा को ज्यादा था। हमने सरकार बनाने का फैसला किया लेकिन जो बात तय ही नहीं हुई थी, शिवसेना उस पर अड़ी हुई थी। अमित शाह ने हमारे बीच में स्पष्ट तौर पर चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हर जगह उन्होंने कहा कि जो तय नहीं हुआ था उसे हम पर लाद दिया गया कि यह ही तय हुआ है। जब भाजपा को यह धमकी मिली तब बीजेपी ने तय किया कि जो समझौता नहीं हुआ वह नहीं दिया जाएगा। अपने सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला, महाराष्ट्राच्या जनतेने संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिली आहे। आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो, पण हा जनादेश भारतीय जनता पक्षाला होता असं मी याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67-70% जागा आम्ही जिंकलो, शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी केवळ 40-42% ते जागा जिंकले। याचा अर्थ असा होता की महायुतीला जनादेश तर होता पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता, आणि या जनादेशाचा सन्मान करण्याकरता महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला। दुर्दैवाने जी गोष्ट कधी ठरलीच नव्हती, शिवसेनेच्या लक्षात ज्यावेळी हे आलं की नंबर गेम असा आहे की ज्या नंबर गेम मध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते, आणि म्हणून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून त्यांनी बार्गेनिंग सुरू केलं, आमचे सगळे पर्याय खुले आहेत आणि जी गोष्ट कधीही ठरली नव्हती। फडणवीस ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि तीन पहियों की गठबंधन सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शिवसेना का एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है, हालांकि हम भी मजबूत विपक्ष का काम करेंगे। शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जहां हमें सीएम पद मिलेगा वहां हम जाएंगे। भाजपा के नेताओं ने कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया था, लेकिन इस दावे पर अड़कर शिवसेना ने हमसे बात करने के बजाय कांग्रेस और एनसीपी से बात शुरू कर दी थी। इसके बाद राज्य में जो कुछ भी हुआ वह हम सब ने देखा है। शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है लेकिन उसका हिंदुत्व फिलहाल सोनिया गांधी के चरणों में नतमस्तक है। जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट और विधायिका में लंबे समय से बहस चली आ रही है, इसे अब हल करने की जरूरत है। जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, नागरिकों को अच्छे शासन का अधिकार है। अभी कोर्ट ने महाराष्ट्र के केस के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा, बाद में ऐसे सभी मामलों को लेकर लंबी सुनवाई हो सकती है। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई। इन दलों की मांग थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार को तत्काल बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए। वहीं अजीत पवार के सहयोग से सरकार बनाने वाली भाजपा का कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए,
क्यों यह सब तय करना राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर का अधिकार है तथा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया तो यह गलत परंपरा बन जाएगी। कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कल शाम 5 बजे तक सदन में फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पूर्व सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही सभी विधायकों को शपथ दिलाने और फ्लोर टेस्ट कराने का कहा है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनके पक्ष यानी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की जीत होगी। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यह भाजपा की हार है और जो खरीद फरोख्त के लिए फ्लोर टेस्ट को टालना चाहती है। आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, वो 5 बजे तक समाप्त होगा और तुरंत 5 बजे स्पीकर प्रोटेम फ्लोर टेस्ट कराएंगे जो गुप्त मतदान से नहीं लेकिन ओपन वोटिंग से होगी और उसका सारा वीडियो चित्रीकरण किया जाएगा। ये एक कोर्ट सुपरवाइज्ड फ्लोर टेस्ट होगा। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है। एक एमएलए ने नहीं कहा है लिखित, एक एमएलए ने कि हम जा रहे हैं इन हस्ताक्षरों के आधार पर सरकार बनाने बीजेपी के साथ। उसके आधार पर किस बेशर्मी से एक व्यक्ति जाकर घोषणा करते हैं, ये अपने आप में एक अनूठी कथा है। ये न कर्नाटक में थी, ये न मणिपुर में थी, न गोवा में थी, न अरुणाचल में थी, न उत्तराखंड में थी। ये हमारे नैतिकता को और हमारे संवैधानिक मूल्यों की सबसे नीचे पाताल वाला स्तर है और ये सब हुआ है बीजेपी जो आपको इतने उपदेश देती है। अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय दो भागों में बट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह अदालत में रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करेगा। बोर्ड की मीटिंग में मौजूद 7 सदस्यों में से 6 सदस्य अदालत के फैसले से सहमत नजर आए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जहां शीर्ष कोर्ट में इस मामले को लेकर पुनर्विचार नहीं लगाने का निर्णय ले लिया है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का मन बना चुका है। ऐसे में वे इसे लेकर पिटीशन जल्द दाखिल कर सकता है। इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर मंत्री का जुनून, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को एक बार फिर टॉयलेट साफ करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगह सफाई व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि मंत्री तोमर को जगह जगह सफाई करना पड़ रही है। जब सिस्टम खराब हो जाता है और चीजें हाथ से खिसकने लगती हैं तो ऐसे नजारे आम हो जाते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर एक कॉलेज में पहुंचे थे जहां टॉयलेट गंदा देखा तो सफाई करने लगे। सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल कॉलेज में सफाई कर्मचारी नहीं है जो मंत्री जी को यह सब करना पड़ रहा है। मंत्री तोमर के सफाई अभियान को देखें तो दो ही बातें सामने आती हैं। एक तो कमलनाथ सरकार में प्रदेश में साफ सफाई के सिस्टम का फट्टा बैठ गया है या फिर मंत्री जी के सर सफाई का भूत कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। आज भी तोमर खेड़ापति कॉलोनी स्थित एक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे थे जहां तोमर को टॉयलेट गंदा दिखा तो वो सफाई करने में लग गए। तोमर के इस सफाई कार्यक्रम के बाद कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गया है। सवाल ये भी है कि क्या एक मंत्री इतना फुर्सतिया है, उसके पास इतना समय है कि वे हर कहीं नाले और टॉयलेट साफ करता फिरे? क्या मंत्री के पास कोई और महत्वपूर्ण काम नहीं है? पाला बदलने वाले विधायक शरद कौल के तेवर इन दिनों फिर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। विधानसभा के दौरान कांग्रेस के पक्ष में वोट करने वाले बीजेपी विधायक शरद कौल खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी से मिलने उनके निवास पहुंचे। हालांकि शरद कौल ने कहा कि वो क्षेत्र के कार्य के लिए जीतू पटवारी से मिलने गए थे। कैमरे के सामने शरद यही बताते रहे कि अब भी वो बीजेपी में है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा सत्र में विधायक शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने पलटी मारते हुए एक विषय पर कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, जिसके बाद भाजपा में भूचाल आ गया था। फ्लोर टेस्ट को लेकर शरद कौल फिर गोलमोल जवाब देते नजर आए
उनका कहना है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसे वोट दूंगा। प्रजातंत्र में बनता है कि इलेक्टर कहाँ से होके आए और सदन में क्या हो रहा है जी, वो तो समय आने पर मैं बता तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से इलेक्टेड हुए यार, तो वही हो आप, तो वही है कि कांग्रेस में आ गए भाई। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो तो सदन में प्रजातंत्र में व्यवस्था है, हम तो सबसे पहले पब्लिक। वायरल वीडियो में सिपाही रंजीत ऑटो रिक्शा चालक को पीट रहा है, हालांकि गलती ऑटो चालक की भी थी, वह रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसे देखकर सिपाही ने आपा खो दिया। लेकिन इस सिपाही को भी कानून ने किसी के भी साथ इस तरह मारपीट का अधिकार नहीं दिया है। रंजीत ने पहले चालक के बाल खींचे, तमाचा जड़ा, फिर लात मारते हुए नजर आए। पहले देखिए सिपाही रंजीत सिंह की गुंडागर्दी। रंजीत सिंह अपने डांसिंग स्टाइल में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खासे चर्चित हैं। इस कारण रंजीत सिंह बड़े अधिकारियों और मीडिया की निगाहों में चढ़े हुए हैं। थोड़ी सी लोकप्रियता ने रंजीत सिंह का इतना दिमाग खराब किया कि उन्होंने लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इस मसले को लेकर इंदौर में यातायात पुलिस स्टेशन के बाहर ऑटो संघ ने प्रदर्शन किया और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनाक्रम की जांच के निर्देश दिए हैं। हो सकता है कि अगर वो दिन भर की ड्यूटी के बाद अगर कोई नियम उल्लंघन कर रहा हो तो अगर उन्होंने जो भी जिस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए पुलिस वालों से जो अपेक्षा की जाती है तो 100% नहीं रखा हो। 22 सेकंड के वीडियो में यातायात सिपाही ने ऑटो रिक्शा रोका और चालक से कहा सुनी हुई, फिर उसके बाल खींचे। चालक ने इस पर आपत्ति ली और अपना चालान बनाने को कहा। उसकी बात सुनते ही सिपाही का गुस्सा चढ़ गया और ऑटो चालक को 2 बार लात मारी। इसके चलते कुछ देर के लिए यहां यातायात बाधित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, 24 दिसंबर को मतगणना होगी। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है। 30 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, इसी के साथ चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 6 दिसंबर को इसके नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी और 7 दिसंबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 9 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 21 दिसंबर को सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। राज्य में कुल 169 नगरीय निकायों में से कुल 155 निकायों में चुनाव होना है, जिनमें 10 नगर निगम शामिल हैं। इस बार नगर निगमों में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाला है, यानी निगम में जीत कर आने वाले पार्षद अपने बीच से ही महापौर का चुनाव करेंगे। इस वर्ष नगरीय निकाय चुनाव में लंबे अरसे के बाद ईवीएम की बजाय मतपत्रों की पुरानी प्रणाली से मतदान होगा। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर इस तरह चुनाव होना अपने आप में रोचक होगा। कि जब ऑनलाइन टिकट बुक होती है, ऑनलाइन प्लेन का होता है, ट्रेन का होता है, ऑनलाइन आजकल खरीदी शुरू हो गई है, ऑनलाइन नॉमिनेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो वो हमने शुरू किया है। एक उसमें बंधन है कि उसको एक बार आना पड़ेगा। अभी कई बार आते थे वो लोग, अधिकारी के पास एक बार आना पड़ेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो सामने आएगा तो फिर हमारा अधिकारी बोल देगा उसको कि आपका फॉर्म तो पहले से ठीक है, क्योंकि वो देख लेगा ऑनलाइन। अगर उसको लगता है कि कुछ गलती है तो उसको बोलेगा कि आप ठहरिए, रुकिए, आपने गलती की है। कि कुल 151 नगरीय निकाय हैं, 10 नगर निगम हैं, 38 नगर पालिकाएँ हैं, 103 नगर पंचायतें हैं, 2840 वार्ड हैं जिनकी संख्या है। कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में स्थित नगर पालिकाओं के लिए 21 दिसंबर को ही सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक, इसमें 1 घंटा हमने पहले किया है और 1 घंटा वहाँ 2 घंटे कम किया है, 7 से 3। डेट ऑफ काउंटिंग 24 दिसंबर। केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा ने देश में बेरोजगारी बढ़ने के लिए केंद्र की नीतियों को दोषी ठहराया। मिश्रा ने कहा कि केंद्र के नोटबंदी, जीएसटी और रेरा जैसे कानूनों से देश की हालत बिगड़ी है। रियल एस्टेट में आर्थिक मंदी की वजह केंद्र द्वारा लाई गई गलत नीतियां रही। आज देश का युवा बेरोजगार और परेशान है। देश में
सभी वर्ग केंद्र की नीतियों के कारण परेशान हुए। किसान से लेकर मजदूर, व्यापारी और युवाओं ने केंद्र की गलत नीतियों को भुगता है। केंद्र में मोदी की जी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार बनी है, लगभग 5.5 वर्ष होने को आ रहे हैं। 2014 से लेके और आज तक जो देश में मंदी आई है, हर आदमी परेशान है, किसान परेशान। व्यापम की आरक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला देते हुए विशेष न्यायाधीश SB साहू ने लिखा है कि व्यापम त्रुटि रहित परीक्षा देने में असफल रहा। इस वजह से दलाल असली के स्थान पर नकली परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल करवाने में सफल रहे। अपने 262 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने लिखा है कि व्यापम ऐसी परीक्षा कायम करने में असफल रहा जिसमें वास्तविक परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सके। साथ ही उनकी पहचान के लिए परीक्षा के पहले लिए गए उनके हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट का भी कोई मतलब नहीं निकला। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब जांच के दौरान CBI ने नकली और असली परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट आपस में मिलान के लिए भेजे तो फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञ इस मामले में अपना कोई अभिमत ही नहीं दे सके। आज जो फैसला आया है वो व्यापम के द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 से संबंधित है। इसमें 31 आरोपी हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सूत्रधार प्रदीप त्यागी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2 धाराओं में मिथ्या दस्तावेज तैयार करने तथा भविष्य में उनका उपयोग करने की संभावना को देखते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और अन्य शेष 30 आरोपीगण को 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। इस तरह अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि पुलिस का उपयोग अपराधियों से लेकर असामाजिक तत्वों, नक्सलियों, आतंकियों से निपटने के लिए होता है। इन पर देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यदि कोई भी अयोग्य उम्मीदवार पुलिस में भर्ती हो जाए तो वह अपनी पूरी टुकड़ी को संकट में डाल सकता है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की सजा मुकर्रर की है। हमेशा विवादों में रहने वाली टीकमगढ़ नगरपालिका में उस वक्त खलबली मच गई जब पार्षदों की मीटिंग के दौरान एक कर्मचारी ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मीटिंग में नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी, उनके विधायक पति राकेश गिरी और तमाम पार्षदगण मौजूद थे। आत्मदाह की कोशिश करने वाले कर्मचारी का नाम राम प्रकाश बिलगैया बताया जा रहा है। उसका कहना है कि पिछले 8 महीने से उसको वेतन नहीं दिया गया है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उसको और उसके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई है। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली लाया गया और मामले की जाँच की जा रही है। इस संबंध में विधायक ने कहा कि साजिश के तहत यह कार्य किया जा रहा है और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कर्मचारी गाली गलौज करते हुए अंदर आया और उसे जानबूझकर ऐसी हरकत की है। टीकमगढ़ की परिषद की बैठक चल रही थी जिसमें विकास के एजेंडों को लेकर पार्षदों और अध्यक्ष के बीच चर्चा हो रही थी। उसी बीच अचानक फाटक खुलता है और राम प्रकाश बिलगैया वहाँ से गाली देते हुए आते हैं और जैसे ही गेट खुलता है पेट्रोल उसकी कुप्पी फेंकने का प्रयास हम लोगों के ऊपर करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीगिरी और हमारे ऊपर। तो वहाँ खड़े सलमान खान और भागीरथ कुशवाहा के द्वारा गेट पर ही उनको जैसे ही वो ऐसा प्रयास करते हैं गाली देने का, उनको वहाँ मौके पर पकड़ लेते हैं। जैसे ही आवाज़ आती तो और लोग उनको पकड़ लेते हैं, मेरे सुरक्षा गार्ड उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको नगर पालिका के बाहर किया, पुलिस के हवाले कर दिया। राम प्रकाश बिलगैया द्वारा जानबूझकर यह पेट्रोल डालकर परिषद के, नगरपालिका के और अध्यक्ष के ऊपर ये हमला किया है, इसकी मैं निंदा करता हूं और कहीं ना कहीं यह किसी साजिश के तहत किया गया है। जब इस संबंध में SDOP सुरेश सेजवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ के द्वारा आज एक लिखित आवेदन पत्र थाने में दिया है कि राम प्रकाश बिलगैया जो प्रत्यय के पद पर नगर पालिका में काम करता था, अभी वर्तमान में जो इससे पन्ना ट्रांसफर हो गया, वो अचानक आज बैठक में आया और अपने ऊपर पेट्रोल डाला और इस प्रकार से अनुशासी कार्य में बाधा उत्पन्न करी और परिषद की बैठक में व्यवधान उत्पन्न किया। इस संबंध में आवेदन दिया है जो जाँच में रखा गया है। इसी दौरान हमारे टीकमगढ़ के जो विधायक है राकेश गिरी जी, उनके द्वारा भी एक लेके आवेदन पत्र दिया कि उक्त व्यक्ति ने हमारे ऊपर, मेरी पत्नी पर भी हमने पेट्रोल छिड़क कर मारने का प्रयास किया है। ऐसा एक लेखी आवेदन विधायक महोदय की तरफ से भी प्राप्त हुआ है। जो दोनों आवेदन जांच में रखे गए हैं, जो भी तथ्य प्रमाणित होंगे, जो कानून के दायरे में आएंगे,
वैसी कठोरतम कार्रवाई उक्त व्यक्ति के विरुद्ध की जाए। 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया सिवनी जिले के आधे गांव का बुलंद किला आज भी वर्षों से क्षेत्र की पहचान बना हुआ है। अब लोग इसे काल भैरव के किले के रूप में जानते हैं। उस समय के मराठा शासक रघुजी भोसले के दीवान खड़क भारतीय गोसाई ने आधे गांव की दुर्गम पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण करवाया था। किले की बाहरी दीवारें आज भी मजबूती के साथ अधिक होकर खड़ी हैं। सदियां बीत गई लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। किले में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस किले को देखने आज भी दूर दूर से लोग आधे गांव पहुंचते हैं। किले के पीछे हिस्से में बड़ा तालाब भी मौजूद है। किले की ऊंची दीवारें चारों ओर करीब 3 एकड़ में फैली हुई हैं। बाहरी दीवार व बुर्ज को छोड़कर आंतरिक सभी संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। इसका मुख्य द्वार पूर्व मुखी है जबकि दूसरा दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है। हथियारों व सैनिकों के लिए आधे गांव किले का निर्माण कराया गया था। 18वीं शताब्दी में मराठा नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले द्वारा उनके गुरु नर्मदा भारती द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था और उन्हीं के द्वारा इस किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसके गर्भगृह में काल भैरवनाथ स्वामी, उदय भैरवनाथ स्वामी, वटक भैरवनाथ स्वामी, शेषनाग, अन्नपूर्णा देवी एवं गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस किले का उपयोग सैनिक छावनी के रूप में पुराने समय में करते चले आए होंगे। साथ ही ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद इसका आधिपत्य ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिया था। वर्तमान में सिर्फ इस किले की दीवारें ही शेष हैं। जो आंतरिक किला था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और यह किला अपूर्णतः पुरातत्व विभाग के अंडर में। इस किले में विराजमान काल भैरव, नाग भैरव व पटुक भैरव का पूजन सदियों से होता रहा है। लोग इसे दूसरा काशी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि बनारस की तरह यहाँ पर भगवान काल भैरव की बड़े स्वरूप में प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि आधे गांव किले के इतिहास की ज्यादा जानकारी पुरातत्व विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। अभिलेखों के मुताबिक मराठा शासक के गुरु नर्मदा भारती से यह किला उनके शिष्य भैरव भारती, धोकल भारती व दौलत भारती को सौंपा था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने मराठा शासकों से इस किले का आधिपत्य छीनकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। किले के पिछले हिस्से में तालाब के नजदीक श्यामलता का विशाल वृक्ष है। कहा जाता है कि दुर्लभ श्यामलता के वृक्ष की पत्तियों में श्री राधे कृष्ण का नाम लिखा दिखाई देता है। वृक्ष कब और किसने लगाया यह आज भी लोगों के लिए रहस्य की बात है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।